सच एन अमेजिंग फीलिंग यार. मैं इसको आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो मैं शायद काफ़ी टाइम तक मुझे याद रहेगा. यहाँ पे एक लोकल मार्केट में आए यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी उमरा के चीज़ें हैं. आओ सीरियस यार, लोगों का सपना होता है यार यहाँ पे आने का. अराउंड कितना 1 बिलियन लोगों का सपना होता है लाइफ में बस एक बार आए. वेलकम टू माई चैनल एवरीवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैनिएक. राइट नाउ आई एम इन मदीना और अभी कुछ अराउंड टाइम हो रहे हैं दोपहर के 12:40-12:45 कुछ हो रहे हैं. और यहाँ पे मेरे आसपास देखो आप, सारे दुकान बंद हो गए यार. और सही बता रहा हूँ, मैं कल रात को यहाँ पे आया था जब मैं ट्रेन से उतर के आया यहाँ पे, और इतनी भीड़ थी यहाँ पे. और अभी ऐसा लग रहा है कि भाई शहर में कोई रहता ही नहीं है. देखो आप लोग, ये पूरी दुकान भाई यहाँ पे इतनी भीड़ होती है भाई यहाँ पे. नॉर्मल देखो, मैं कल जब आया था रात को यहाँ पे, बट अभी यार पूरा सुनसान है. बट आई एम फाइनली इन मदीना. मुझे एक्चुअली विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ. एक्चुअली द थिंग इज गाइस, आई फील सो ग्रेटफुल टू बी हियर. मैं इतना ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये प्लेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन हु फॉलो इस्लाम. एंड दिस इज़ द सेकंड मोस्ट होलीस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर इस्लाम आफ्टर मक्का. तो मक्का इज़ द फर्स्ट होलीस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर इस्लाम, और मदीना जो है सेकेंड है. बट यहाँ से मैं अभी आप लोगों को लेके जाऊँगा यहाँ पे मदीना का सबसे पॉपुलर मस्जिद, मस्जिद नबवी, जहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उन्होंने अपने लास्ट टाइम गुजारे थे. अभी तो फिलहाल यार मैं वेट कर रहा हूँ कि ये दुकान खुल जाए, मुझे कुछ खाना खाना है. एक्चुअली मुझे खाया नहीं हूँ, और कुछ खा के फिर निकलते भाई. मैं बस वेट कर रहा हूँ ये दुकान खुल जाए नमाज के बाद. यहाँ पर एक दुकान खुला है यार, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, देखते हैं यहाँ पे. जैसे वो वीडियो एचडी कैमरा का वो वाला है. हाँ हाँ, ये देखो देख रहे एचडी बनाता है. हाँ जी, तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आए यहाँ पे, और यहाँ पे कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं. तो देखता हूँ अभी कुछ अराउंड हाफ एन आवर तक वेट करूँगा यहाँ पे, उसके बाद जब दुकान खुल जाएगी उसके बाद फिर निकलूँगा मदीना एक्सप्लोर करने के लिए. अभी तो यार पूरा ऐसा लग रहा है सुनसान हो गया पूरा क्योंकि नमाज के टाइम पे सारा सब कुछ बंद हो गया. भाई यहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खा के निकल रहे हैं अभी, और अभी मैं निकल रहा हूँ मस्जिद नबवी के तरफ जो मैं आपको बता रहा था. बट ये खाना इतना बढ़िया लगा यार मेरे को. कभी कभार जो हमारा स्टाइल खाना होता है ना, पाकिस्तानी इंडियन, ये कभी कभार कोई रेस्टोरेंट में इतना बढ़िया बनाया जाता है ना कि आपका दिल खुश हो जाता है. तो वैसा ही कुछ खाना था मेरा ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में. मतलब एकदम इंडिया की याद आ गई एकदम, मतलब काफ़ी टाइम के बाद. बाकी का ये है गाइज मदीना जो मेरे आसपास है. मुझे पता नहीं यहाँ पे शायद कुछ बनाने वाले हैं, ब्रिज वगैरह पता नहीं, पिलर्स हैं यहाँ पे सारे. एक्चुअली मदीना में ये जो मस्जिद है, मस्जिद के आसपास एक सर्कल सा बना हुआ है एक्चुअली. और ये सर्कल अभी मैं फ़िलहाल वो सर्कल के पास ही हूँ, मतलब तो सर्कल में ही चल रहा हूँ अगर आप बोलो तो. और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको बड़े बड़े होटल्स मिल जाएंगे जैसे आगे देख सकते हो आप लोग ये वाला. और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होटल्स होते हैं ये. और अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है वो पीछे, जैसे ये पीछे देख सकते हो ये वाला भी. और मैक्सिमम सभी को जो भी मदीना आता है उनको ये सर्कल के आसपास ही रहना होता है, क्योंकि ऑफकोर्स उनको यहाँ पे जो मस्जिद है वही सबसे बड़ा मेन रीज़न है उनका आने का मदीना, वहाँ विज़िट करने के लिए. तो यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं, और ये जगह एक्चुअली कभी खाली होता नहीं है. स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू उमरा के सीज़न से लेके कौन से महीने आ जाओ आप, यहाँ पे दुनिया भर के लोग मिलेंगे आपको. यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये है और एक कुछ होटल्स वगैरह बन रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे सारे आप लोग पिलग्रिमेज देख सकते हो. यहाँ पे लिखा है जमजम पुलमन मदीना होटल का नाम है. और यहाँ पे एक्चुअली आपको बता दूँ, यहाँ पे जमजम वाटर का भी सोर्स यहीं पे बताया जाता है. और जमजम वाटर इनके इस्लाम में एक्चुअली वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है. जैसे हमारे लिए गंगा जल होता है, वैसे इस्लाम के लिए जमजम वाटर होता है. और काफ़ी सारे लोग यहाँ से जमजम वाटर लेके भी जाते हैं अपने पास. तो मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर मेरे को मिल जाए तो मैं भी लेके जाऊँगा जमजम वाटर मेरे साथ. मेरे को एक्चुअली काफ़ी अजीब सी वाइब आ रही है यहाँ पे, अजीब इन द सेंस नॉट अजीब, बट काफ़ी सा अलग सा फीलिंग आ रहा है. क्योंकि बीइंग ए नॉन मुस्लिम मुझे पता है कि ये प्लेस को मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगा. ऑब्वियसली एक मुस्लिम के लिए ये प्लेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो फीलिंग वो कर रहा हुआ यहाँ पे जब वो रहेगा, वो फीलिंग ऑब्वियसली मैं नहीं ले पाऊँगा. बट मुझे पता है ये प्लेस कितनी इम्पॉर्टेंट है इस्लाम के लिए.
एंड आई एम जस्ट वरीड यहाँ वहाँ से कि कोई मुझे आके पूछ लेगी, मतलब कुछ पूछ ले इस जगह के बारे में और मैं ना बता पाऊँ क्योंकि मुझे इसके बारे में उतना कुछ आइडिया नहीं है। अगर ऐसा कुछ मेरे को मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, वाह इंडोनेशिया से आई है बस, उमरा मैक्सिमम लोग इंडोनेशियन थे यार ये वाले बस में। एंड ऑल्सो गाइज, अगर मैं इस वीडियो में कुछ गलत बोल दूँ ना गाइज, तो प्लीज़ मेरे को यार भड़क मत जाना मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम श्योर कि यहाँ वहाँ मैं कुछ गलत बोल सकता हूँ, बट अगेन मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि अगर कुछ गलत बोल दूँ तो प्लीज़ भड़कना मत। मैं जितने भी चीज़ें बोल रहा हूँ मैं पढ़ के सुन के या तो फिर जितने भी मैंने रिसर्च करी जगह के बारे में उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, और ऑब्वियसली उसमें गलती हो सकती है मेरे से, तो अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ ज़रूर कमेंट में लिख देना। और यहाँ पे पीछे स्टारबक्स है ना, स्टारबक्स ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया में हो तो स्टारबक्स ना मिले आपको ऐसा तो होगा नहीं, और वैसे भी यहाँ पे स्टारबक्स काफ़ी ज़्यादा फ़ैन है कॉफ़ीज़ के इन जनरल। यहाँ पे सारे होटल्स देख सकते हो आप लोग, वाओ एक्चुअली मदीना एक्चुअली काफ़ी एक्सपेंसिव लगा मेरे को इन टर्म्स ऑफ होटल, इसलिए मैं भी काफ़ी से एवरेज से होटल में रह रहा हूँ जिससे कि मेरे बजट पे इशूज़ ना आए। तो ये है गाइस बाहर का एरिया मस्जिद नबवी का, यहाँ से मैं वो ग्रीन मीनार देख सकता हूँ जो कि ये मस्जिद की खासियत है, बट मैं देखता हूँ आगे शायद एंट्रेंस होगा। और ऑल्सो अगेन मैं आपको बता दूँ ये प्लेस की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है, और अगेन अगर मैं गलत होता हूँ तो प्लीज़ मुझे भड़कना मत इस चीज़ पे। एक्चुअली प्रॉफिट मोहम्मद जो थे पीस बी अपॉन हिम ही वॉज बॉर्न इन मक्का, बट उनकी मैक्सिमम लाइफ मदीना में बीती थी, और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे जंग भी लड़े, और उसके बाद उनकी आखिरी टाइम भी उन्होंने मदीना में ही जी, और उनको शायद यहाँ पे बरी भी किया गया था, एंड वो वाला प्लेस भी इसीलिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और दुनिया भर से लोग आते हैं उनको ये वाले प्लेस को देखने के लिए। मेरे लिए गाइज नॉट जस्ट इस्लाम, मुझे ऐसे प्लेसेस ट्रैवल करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। आई रियली लव टू ट्रैवल एंड टू सी सच प्लेसेस। मैं इसके पहले करतारपुर कॉरिडोर भी गया था, मैं इसके पहले इथियोपिया में जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी होती है उनके लिए भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है वहाँ पर भी गया था, और दिस मदीना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस थिंग फॉर मी, एंड आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बी हियर, एंड आई फील सो ग्रेटफुल। यार लोगों का सपना होता है यार यहाँ पर आने का, अराउंड कितना 1 बिलियन लोगों का सपना होता है कि वो यहाँ पर आए, लाइफ में बस एक बार आए, और मैं यहाँ पर फ़िलहाल हूँ। मस्जिद है, मस्जिद के बाहर का एरिया, और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे कंट्रीज़ काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट के लोग दिख रहे हैं, थोड़े अफ्रीकन भी दिख रहे हैं, साउथ ईस्ट एशियन भी दिख रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं अरेबिक जो एरियाज़ कंट्रीज़ के हैं वहाँ से भी लोग दिख रहे हैं। इन शॉर्ट जैसे मैंने बताया आपको दुनिया भर के लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ के ये सारा एरिया देख सकते हो आप लोग। अभी मैं ये मस्जिद के बाहर हूँ देख सकते हो आप लोग, बट आई थिंक अंदर जो मेन एरिया है वहाँ पे मैं नहीं जा सकता, मॉस्क के अंदर ऑब्वियसली मैं जा नहीं सकता, बट आई एम आउटसाइड द मॉस्क और ये वाले एरिया तक जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं वो लोग रह सकते हैं। बट इट्स सच एन अमेजिंग फीलिंग यार, मैं इसको आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो मैं शायद काफ़ी टाइम तक मुझे याद रहेगा। एक्चुअली ये जो मक्का है, मक्का में जो ब्लैक काबा होता है उसके लिए जाना जाता है, और यहाँ पर ये वाले मस्जिद में ये वाला जो ग्रीन मीनार है इसके लिए। और एक चीज़ यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेन है वो यहाँ पे वाइट थोब पहने हुए हैं, और जो फीमेल है वो ब्लैक शायद उसको अबाया बोलते हैं, राइट, ब्लैक अबाया पहनी हुई है। बट ऑल्सो मैं ये गौर कर रहा हूँ कि यहाँ पे सब फीमेल्स और सब मेल्स एक जैसे कपड़े नहीं पहने हुए। ऑफ कोर्स मैं ज़्यादातर लोगों को मेल्स में वाइट थोप पहना हुआ देख रहा हूँ, बट जो ये ब्लैक अबाया है ये पहले मुझे लगता था कि ब्लैक अबाया को शायद इस्लाम के साथ कनेक्ट किया जाता है, या फिर जितने भी लोग मुस्लिम्स हैं वो शायद ब्लैक अबाया पहनते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ मोर सॉर्ट ऑफ ए कल्चरल थिंग रादर दैन रिलीजियस थिंग। मैं काफ़ी सारे यहाँ पे वुमेन को देख रहा हूँ जो अपने कंट्री के कपड़े पहने, फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी सारे लोगों को सेंट्रल एशिया से जो है उनका मैं देख रहा था कि वो अपने ट्रेडिशन के कपड़े पहने हुए थे, जो मैं जब ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में था तभी मैंने देखा था, और उनको मैं ब्लैक अबाया पहनते हुए नहीं देख रहा। तो ये शायद मेरे दिमाग में पहले था, और ऊपर से फिर मैंने रियलाइज़ करा कि ये
एक्चुअली रिलीजियस थिंग नहीं है, दिस इज़ अ लॉट मोर कल्चरल। ये था गाइस प्रॉफेट मोहम्मद मॉस्क एंड अभी हम लोग यहाँ से मॉस्क के बाहर निकले हैं। यहाँ पे जो मार्केट्स है ये अभी तक क्लोज ही है, मतलब मुझे लगा था कि शायद आधे घंटे में खुल जाएंगे, बट शायद ये नमाज के टाइम पे जब मैंने बताया था शुरुआत की वीडियो में ये अभी बंद है सारी चीज़ें, उसके बाद शायद ये खोला नहीं है अभी तक। यहाँ पे जितने भी शॉप्स पीछे देखते हो सारे शॉप्स बंद है यहाँ पे। अब कुछ चीज़ें अगर इंटरेस्टिंग होती तो मैं आप लोगों को दिखाता उसके बारे में, ये शॉप्स में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती है ऐसा सुना था मैंने। बट एनीवेज यहाँ पे एक लोकल मार्केट में आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी उमरा के चीज़ें हैं शायद अब कपड़े वगैरह खरीदने हैं वहाँ पे, तो आई थिंक यहाँ से आप ले सकते हो। तो ये एक लोकल मार्केट दिखा मेरे को जस्ट अपोजिट टू द मस्जिद। आई थिंक यहाँ पे लोग यहाँ से ख़रीद के शायद उमरा जाते होंगे या फिर यहाँ से लेके जाते होंगे या फिर शायद कुछ ख़ास क्लोथ होगा, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। बट यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए देख सकते हो आप लोग। आई थिंक कुछ स्पेशल कपड़ा होगा शायद यहाँ का, यार मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इसके बारे में, कोई लोकल होता तो शायद मुझे समझा देता। और यहाँ पे काफ़ी सारे और मार्केट्स भी हैं, तो यहाँ पे डेट्स, आई थिंक डेट्स और ड्राई फ्रूट की शॉप है यहाँ पे, जो आई थिंक आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। आओ सी दिस, यहाँ पे मैं कुरान भी देख रहा हूँ जहाँ यहाँ पे बेच रहा है, आई थिंक ये भी देख सकते हो आप लोग। ये है यहाँ पे बीड्स, जो रिलीजियस बीड्स है, यहाँ पे इतर है शायद, ये इतर बेच रहे हैं। काइंड ऑफ एनी जनरल मार्केट जो मैं आपको हर जगह दिखाता हूँ। यहाँ पे साउथ एरिया में और एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वेदर हर जगह का इतना डिफरेंट है ना यार, मतलब फॉर एग्जांपल रियाद में गर्मी थी, फिर जद्दा में थोड़ी ठंडी थी, तैफ में जब मैं गया था वहाँ पे और ठंडी थी। तो यार ये वेदर इतना चेंज हो रहा है ना यहाँ पे साउथ अरेबिया में, मेरे को खुद ज़ुकाम हो गया अभी, और मेरी आवाज़ सुन के आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत 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 ही मतलब अजीब सा वेदर है यार यहाँ पे। आई थिंक जो लोग मेरे से बाहर से आ रहे हैं उनको बहुत दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, स्पेशली अगर आप ये टाइम पर आ रहे हो जब समर विंटर का जो बीच में हो ना, या तो आप डायरेक्टली विंटर में आओ, टोटली विंटर में आओ, या फिर टोटली समर में हो।